गुड मॉर्निंग गाइस, जब तक आप वीडियो गुड मॉर्निंग गाइस, यार जब आप वीडियो देख रहे हो तब गुड मॉर्निंग तो नहीं होगी, लेकिन आपको बोलना हमारा फर्ज है गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज करने वाले इस कार के रिव्यू वीडियो, जो कि रहने वाला ऑनरशिप रिव्यू वीडियो। तो स्वागत करते हैं अपने चैनल में मिस्टर रजत जिजोति जी का, जो कि है इस कार के ऑनर। रजत भैया बहुत बहुत स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो भैया के साथ चलते सीधे कार के अंदर और चलाते हुए बात करते हैं कि कार कैसी रहती है। चलिए वीडियो को अंदर में ही स्टार्ट करते हैं। साथ में विकास भाई, रजत भाई, जैसा आपको मैं इंट्रो में बताया होगा कि कार के अंदर में चल के बात करते हैं। तो रजत भैया, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अर्टिगा ही क्यों चूज किया? फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। सेवन सीटर और पांच के अलावा भी आप दो एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं, और चाहें तो आप एक और एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं। पीछे की सीट पे तीन लोग इजीली बैठ जाते हैं। यानी फुल्ली फैमिली पर्पस से गाड़ी है, यानी किसी की फैमिली यदि बड़ी है या फिर बड़ी है, लॉन्ग रूट पे जाना है, अच्छी है, इसमें जर्क भी नहीं लगते हैं, और मेन बात की इसका एवरेज सबसे बढ़िया है। अर्टिगा डीजल 22 प्लस इजीली निकल जाएगा। चलिए आपको जैसा मैं बता दूं, अपन वीडियो में नेगेटिव पॉजिटिव सब कवर करते हैं। तो रजत भैया, अब इसमें आप हमें पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे पहले कि कार में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, इसके पॉजिटिव क्या है? क्या बताऊं मैं, यानी आप काफी सारी चीजें हैं इसमें, फिर भी आप क्या है ना कुछ ऐसा जो ऑडियंस को हमारे बताना चाहे कि यार ये बहुत अच्छी लगती है मुझे कार में, या फिर ऐसा कुछ? जैसे इंडिया में सभी का कहना होता है कि माइलेज अच्छा होना चाहिए, वो मैं सबसे पहले कहूंगा कि माइलेज तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है माइलेज को लेके, कोई इशू नहीं है। दूसरा, फैमिली पर्पस से तो बहुत ही अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें तो ये एसी मतलब ब्लोवर है, बट ये भी बहुत अच्छा काम करता है कि आप पीछे तक पूरा कूल कर लेगा, और सामने के लिए दोनों को ड्राइवर और ड्राइवर के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए इसमें एसी देखूं, इसकी सीटिंग कैपेसिटी देखूं, फिर बूट स्पेस भी थोड़ा सा मिल ही जाता है, जिसमें अगर हम फैमिली को लेकर कहीं जाते हैं तो दो तीन छोटे बैग्स आ जाते हैं वहां पे पीछे साइड में। हाँ, तो वैसे भी बढ़िया है, और क्या कहूं कि सब ऑल ओके ही है आपके हिसाब से गाड़ी अच्छा? हाँ, बहुत बढ़िया है। चलो यार, इतनी अच्छी है तो कुछ तो खामियां भी होगी गाड़ी में, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नेगेटिव ना हो। हाँ, खामियां ये है, मेन खामी ये है कि अगर अभी सुजुकी ने जब इस पे काम किया है, इस पे पूरा डिजाइन चेंज कर दिया उसका, है ना। हाँ, इंटीरियर चलो लगभग हल्का सा सेम वैसा एज इट इज लगता है, चेंज कर ही दिया है, फिर भी चेंज है सामने अपना ये डैशबोर्ड बोलू, और फिर एक्सटीरियर तो पूरा का पूरा चेंज है ना। तो उनको ये करना चाहिए था कि थोड़ी सी उसपे बड़े टायर्स देने चाहिए थे, मतलब जैसे इसमें 15 के हैं तो वो 16-17 तक देने चाहिए थे, और ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। तो वैसा इसमें ये कमी है कि ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू आता है, जैसे थोड़ी सी अगर खराब ऑफ रोड चले जाऊं तो मैं टकराने का डर रहता है कि गाड़ी इधर से टकरा रही है, गाड़ी कभी इधर से टकरा रही है, ऐसा मतलब एक डर बना रहता है। यानी हाइवे के हिसाब से परफेक्ट गाड़ी है, बट ऑफरोडिंग वगैरह, बाकी ऑफरोडिंग के लिए उतनी फैमिली परपस कार है, ऑफरोडिंग को नहीं करेगा इसमें। अब मैं यदि बात करूं इसके अपना सर्विसिंग वगैरह को रिलेटेड, तो सर्विस में क्या कॉस्ट पड़ जाती है आपको? लगभग 7-8 हजार रुपए, 7-8 हजार रुपए मैक्स, यानी 5-7 के बीच में अपन लेके चल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कितने हजार किलोमीटर में होती है? 10 हजार। आप वैसे तो ये लो मेंटेनेंस गाड़ी है ना, आईटी का लो मेंटेनेंस, सुजुकी ही लो मेंटेनेंस है। वही वही वही। अब ऐसा सेफ्टी को रिलेटेड यदि बात करें तो सेफ्टी से रिलेटेड में फिर सुजुकी कोई ये नहीं है, उस तो फिर टाटा पे जाना पड़ेगा सेफ्टी से रिलेटेड। वो तो सेफ्टी से रिलेटेड, पर अभी अभी इसको भी अच्छी खासी सेफ बनाया जा रहा है, जैसे आप अभी ब्रीजा देख सकते हो, उसको भी 4 रेटिंग है। हाँ, कुछ कुछ यानी जैसे कंपनी नहीं, कुछ कुछ कार है, जैसे ब्रेजा हो गई, अपना आर्टिगा भी 3 स्टार लेके आई, ये भी नई वाली, ओल्ड वाली का तो हुआ ही नहीं था, उस समय तो क्रेश टेस्ट वगैरह होता ही नहीं था, कुछ ये नहीं था। एन कैप तो अब करने लग गया है, एनसीएपी तो अब ले रहा है उसमें थोड़ा बहुत ठीक है। वैसे उतनी देखो, अब कंपनी बना रही तो अब इतना भी बेकार नहीं होगा, कोई भी क्वालिटी इतनी भी खराब तो नहीं होगी। फिर वही बात आ जाती है यार, चलाने पे रहता है, सब अपने अपने चॉइस है। अब तो आप 120 की स्पीड पे दौड़ाएंगे तो कंट्रोल थोड़ी ना होगी, और फिर कोई भी गाड़ी रहे है ऐसा। कितनी चला चुके हैं आप अभी तक? मैं इसे तो लगभग 1 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ। 1 लाख किलोमीटर। हाँ, तो इसको अभी रखने का प्लान है कि निकालने का प्लान है? नहीं, अभी तो मैं अब निकालने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी ओल्ड हो गई है, और दूसरी बात ये भी है कि मुझे दूसरी गाड़ी लेनी है, इसीलिए दूसरी गाड़ी लेने दूसरी गाड़ी लेने से एक मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है, थोड़ा मिर्ची टाइप का क्वेश्चन है कि आप
अभी पुरानी अर्टिगा है आपके पास में, जो नई वाली जनरेशन की अर्टिगा आई है, यदि वो आपको सामने दिखती है तो कैसा अंदर से कुछ फील होता है कि क्या? बिल्कुल फील होता है, क्योंकि वो कहूँ तो इनोवा को टक्कर देती है, ऐसा मुझे लगता है। ये बात है ना, इनोवा को टक्कर देती है। अगर दोनों गाड़ी आमने सामने खड़ी है तो ऐसा नहीं लगता कि दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही समान लगती है, क्योंकि डिजाइन भी वैसे ही। हाँ, बजट बजट की बात है कि बजट देखूं तो एक का बहुत ज्यादा है, और ये अपने नॉर्मल फैमिलीज के लिए बहुत बढ़िया है बजट के हिसाब से। निकालने की सोचे हो आपने तो, क्या प्राइस रखे होगी इसका फिर भी? मैंने तो 5 के आसपास निकाल दूंगा। 5 के आसपास निकाल दूंगी यार, कोई को लेना हो तो ले लेना, गाड़ी तो भी चला के दिखाते हैं आपको। तो चलिए चलती हुई बात करते हैं इस कार में कि कैसी क्या परफॉर्मेंस। भैया अपने को ये बताओ, आपकी फैमिली में गाड़ी आपको कैसी लगती है? फैमिली वाले तो काफी खुश है यार इससे, वो तो नहीं भी बेचना चाहते हैं। अच्छा, पर लेकिन आपको बेचना है? हाँ, मैं थोड़ी सी मेरा बिजनेस पर्पस से भी। अच्छा, ऐसा है। फैमिली में नहीं बोल रहे थे उसको बेचना क्यों है, रखे रखो दूसरी भी लेके आ जाना। ऐसा है कि कार में इशू है कि कुछ? नहीं नहीं, कार में इशू के लिए नहीं है। बात ये है कि अगर मैं इसे नहीं निकालूंगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी दूसरी लेने के लिए, यानी स्पेस कम है घर में। तो भाई चलने में तो मक्खन है, जैसे कि मारुति अपने इंजन से ही प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध भाई शुद्ध हिंदी प्रसिद्ध है, चलाने में मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी को। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके प्लीज बता देना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रजत भैया बाय बोल दो सबको, बाय बाय।